त्वचा रूखी रूखी हो जाती है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होने लगी है, और ड्राइनेस के साथ क्या है, एक परेशानी और हो रही है, बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हकीम साहब, क्या ये मौसम का बदलाव कहीं, या फिर ठंड में लोग प्रिकॉशन कम बरतते हैं? इस वक्त का मौसम ऐसा है कि इंसानों को सर्दी लग जाती है, जी, और क्योंकि ताज़ी ताज़ी सर्दी आई है और आदमी कुछ ये शोबाज भी है कि वो ठंड होते हुए भी वो टी शर्ट पहन के निकल जाता है। बिल्कुल। ये आती हुई सर्दियों में और जाती हुई सर्दियों में हम लोग कहीं ना कहीं कुछ दिखावा कर बैठते जी हैं। जी सबको नहीं कह रहा लेकिन यंग इसकी बात कर रहा हूँ, यंग लोग अक्सर सर्दी है स्वेटर वाली और टी शर्ट पहन के निकल जाते हैं और वो हमारे जिस्म में बैठ जाती है सर्दी। फिर ओस पड़ती है बाहर, जैसे हम रहते हैं तो ओस नज़र तो आती नहीं ज़्यादातर, लेकिन कभी ओस को देखना हो तो आप जैसे किसी शादी में जाते हैं, मैं वहाँ ये तय करता हूँ कि ओस किस कदर पड़ रही है और हमें पता नहीं चलता क्योंकि हमारे जिस्म में वो बैठ जाती है, कपड़ों में, हमारे सर में बैठ जाती है। तो जैसे हम किसी टू व्हीलर पर या फोर व्हीलर पर किसी शादी में जाते हैं आजकल, तो वो गाड़ी बाहर खड़ी कर देते हैं फंक्शन हॉल के, तो अगर आप 1 घंटे में भी लौट के आएँ तो आपकी गाड़ी पूरी तरह गीली हो चुकी होती है। ये औस हमारे जिस्म पर जब बैठती है तो हमें बीमार करके ही छोड़ती है। तो एक तो इस वजह से भी होता है, फिर मौसम ऐसा है कि कहीं ना कहीं हमसे गफलत हो जाती है और सर्दी अक्सर लगती है। एक आध बार किसी को, मुझे भी लग गई थी, मैं गांव गया हुआ था तो एहतियात के बावजूद मुझे सर्दी लग गई थी। तो एक आध बार ऐसा हो जाए तो कोई बात नहीं, बुखार है तो बुखार की 2-3 दिन आप दवा लेते हैं, पैरासीटामोल लोग लेते हैं, इसमें तो ठीक हो जाते हैं बेशतर। अच्छा, कुछ लोगों को बुखार आने लगा क्योंकि इस वक्त में और आने वाले वक्तों में भी ये बहुत होगा कि हर आदमी को टाइफाइड। इसकी वजह यह है कि हमारे जो खाना पीना है वो प्रदूषित है और मिलावटी है। प्रदूषित से तो आदमी निमटने, लेकिन मिलावटी से नहीं निमट पा रहा, और कुछ कम से कम आदमी दूध और चाय तो पीता ही है, या आटा। आटा हमारे यहाँ हम सब लोग जो है वो पिसे पिसाया आटा लाते हैं, लेकिन पहले ये तरीका नहीं था, पहले गेहूँ जाकर उसे पिसवाते थे वो आटा बनता था। तो आटे में बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ें लोग मिला रहे हैं और कम से कम ये ब्रांडेड आटों में चावल मिला हुआ तो बहुत आ रहा है। ये जो हुकूमत मुफ्त में चावल देती है, मैंने गांव में देखा है कि वो चावल लोग ले लेते हैं और अपने घर भी नहीं ले जाते, सीधा दुकान पर ले जाते हैं जहाँ एक दुकानदार उनके सबके चावल तोल तोल के उन्हें 15 रुपए किलो के पैसे दे देता है। और ये सारा चावल गांव गांव का, यूपी में मैं रहता हूँ बुगरासी ज़िला बुलंदशहर में, तो बुगरासी में मैंने देखा कि सारा चावल घर तक नहीं ले जाते लोग, उसको पसंद ही नहीं करते। जो मुफ्त में मिल रहा है लेते तो हैं लेकिन सीधा डायरेक्ट दुकान पर बेच कर चले जाते हैं और ये सब उनसे ख़रीदते हैं। ये आटा मिल वाले जो आटा बनाते हैं और सीधा उसमें पीस देते हैं, उनको नफ़ा ज़्यादा होता है। आज कम से कम 24-26 रुपए किलो आटा मिलता है, तो उसमें 15 रुपए किलो की चीज़ मिलाकर कुछ ज़्यादा मुनाफा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और भी कुछ मिलाते होंगे सस्ती चीज़, तो वो हमें नुकसान देती है। ख़ास तौर पर डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए ये चावल मिला हुआ गेहूँ बहुत नुकसानदेह है। डायबिटीज़ वाले होशियार हो जाएं, अगर उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल ना हो रही हो, समझ लें कि आटे में चावल मिला हुआ है। इससे हमारे मैदे में, आंतों में इन्फेक्शन हो रहे हैं दूध से, चाय से और ये मिलावटी आटे से,
और जिसका भी टेस्ट करा उसे टाइफाइड निकल रहा है, जिसका टेस्ट करा उसे टाइफाइड कन्फर्म ही निकल रहा है। और टाइफाइड कहते हैं इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन को। फिर उसका इलाज लेते हैं, फिर ये सिलसिला चलता ही रहेगा। टाइफाइड अब हमारे सब जगह तो नहीं कहता, लेकिन भारत में टाइफाइड एक इतना आम रोग हो जाएगा कि लोग इससे परेशान हो जाएंगे।